तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में बात कर रहे थे जेक्वेरी की, जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी अवेलेबल है। जावास्क्रिप्ट में जो काम हम कर रहे थे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हेल्प से, उस इम्प्लीमेंटेशन को एक ओपन सोर्स फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिया गया है, एक लाइब्रेरी जिसे हम अपने पेज पर लिंक कर लेते हैं, और लिंक करने के बाद उसकी फंक्शनैलिटीज को हम काम में ले सकते हैं। अभी आज की क्लास में पहले हम बात कर रहे हैं एक HTML एट्रीब्यूट की। होपफुली आपको ध्यान होगी, HTML हमने स्टार्टिंग में जो बात किया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें HTML टैग की बात की है, HTML के एट्रीब्यूट की हमने बात की है। टैग जैसे हेडिंग, और हेडिंग के साथ कोई एट्रीब्यूट जैसे स्टाइल, इस तरीके का हमने देखा है, भले वो CSS प्रोवाइड करने के लिए था चाहे किसी भी रीजन के लिए था। टैग के साथ एट्रीब्यूट प्रोवाइड करना हमने देखा है। आज की क्लास में हम जो बात कर रहे हैं, पहले HTML के एक एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, एक ऐसा एट्रीब्यूट जो HTML के साथ आप अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर वहां पे प्रोवाइड करना चाहते हैं, कुछ स्ट्रिंग्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हेल्प करता है ये एट्रीब्यूट। लेकिन बाकी एट्रीब्यूट से थोड़ा डिफरेंट है। इस एट्रीब्यूट की हम बात कर रहे हैं, ये है हमारा डेटा एट्रीब्यूट। और डेटा एट्रीब्यूट इसे थोड़ा हम इस तरीके से लिख दें अभी के लिए, डेटा हाइफन एस्ट्रिक एट्रीब्यूट। रीजन, यहाँ ये जो डेटा एट्रीब्यूट की जो हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में, इस डेटा के साथ ये हाइफन प्रोवाइड किया, ये डैश, और साथ में यहाँ पे आप कोई भी अपनी तरफ से नया वर्ड स्पेसिफाई कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। काम कर रहे हैं हम इस चीज को जो कह रहे हैं उसे समझने के लिए एक छोटा सा पेज क्रिएट कर रहे हैं। पेज जैसे हमने क्रिएट किया, सपोज यहाँ पे ये p5.html, एक HTML पेज। इस पेज पे हम क्या कर रहे हैं, एक HTML का बेसिक लेआउट प्रोवाइड किया, जहां पे हम जेक्वेरी के डेटा एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। तो डेटा एट्रीब्यूट हम जो प्रोवाइड करना चाहते हैं वो कैसे, उसे समझें। जैसे हमने यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट प्रोवाइड कर दी, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट आइटम्स प्रोवाइड करने चाहे, जैसे इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया, से लिस्ट आइटम हमने दे दिया, ऐसी कुछ भी ना, नेम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज सचिन। इस तरीके से हम मल्टीपल नेम्स प्रोवाइड कर रहे हैं इस लिस्ट के अंदर, विराट, इस तरीके से, राइट, इतने बहुत है। हाँ, इतने हमने ये कुछ हमने लिस्ट आइटम्स प्रोवाइड कर दिए। और एक काम और कर रहे हैं, जैसा आप CSS से जानते ही हैं, स्टाइल टैग हमने प्रोवाइड किया CSS, और यहाँ li को हम फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, बस इतना सा ही अभी, फॉन्ट साइज जिससे थोड़ा हमें वो अपीयरेंस बेटर दिखाई दे, उसके लिए हमने प्रोवाइड कर दिया ये 28 पिक्सल फॉन्ट साइज दे दिया। सेव किया, इस पेज को ब्राउजर पे देख रहे हैं, और इस पेज पे CSS पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतना ही है, बाकी सब HTML की चीज है अभी, ना जावास्क्रिप्ट का कोई कोड है ना जेक्वेरी का। इस पेज को हम जब ब्राउजर पे देखते हैं, तो ब्राउजर पे हमारे पास ये कैसा अपीयर हो रहा है वो आप सभी जानते हैं। और इस पर्टिकुलर पेज पे जब ये हमारे पास अपीयरेंस ऐसी आ रही है, अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कैसी, उसे समझें। हम इन लिस्ट आइटम्स के साथ एक डेटा एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं, और डेटा एट्रीब्यूट जैसे हमने दिया, सपोज ये प्लेयर एंड प्लेयर स्कोर, ऐसा कुछ हमने ये प्रोवाइड कर दिया। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे डेटा स्कोर, डेटा आईडी, डेटा समथिंग, डेटा आप कुछ भी, डेटा डैश, और डैश के बाद एक स्ट्रिंग, एक आप एक तरीके से जैसे आप किसी को नेम देते थे, आईडी देते थे, क्लास देते थे, वैसे ही यहाँ पे आप एट्रीब्यूट का नेम, कंप्लीट नेम एक्स्ट्रा में यहाँ पे कुछ और प्रोवाइड कर सकते हैं डेटा हाइफन के साथ। और जैसे हम यहाँ पे देते हैं जैसे डेटा, और डेटा के साथ हमने यहाँ पे रन प्रोवाइड कर दिया, और इसे वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दी, सपोज कुछ इस तरीके से 157। सपोज अभी एग्जांपल के लिए कुछ ऐसा ही है ना, हम क्रिकेट, अगर आप थोड़ा बहुत रिलेट आ रहे हैं शायद से प्लेयर्स के नेम जानते हैं, तो अदरवाइज कोई इश्यू नहीं। आप यहाँ पे ये समझें, डेटा हाइफन और साथ में कुछ भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, और इस पर्टिकुलर वैल्यू को हमने
इस तरीके से कुछ भी रैंडम वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो भी हमारे पास वैल्यू अवेलेबल हो रही है उस वैल्यू को हम जेक्वेरी में कैसे काम में ले सकते हैं उसकी बात करेंगे। लेकिन पहले एक बार ये हम डेटा रन हमने इस तरीके से ये जो प्रोवाइड किया एंड जिस तरीके से हमने ये ओके, तो ये हमने कुछ भी रैंडमली ये डेटा हमने प्रोवाइड कर दिया है, इस पेज को किया सेव। सेव करके जब ब्राउजर पे देख रहे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, और ये जो डेटा है ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की तरह वेब पेज पे प्रोवाइड किया गया, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कोई गूगल सर्च इंजन जैसा जो कोई भी सर्च इंजन है उसके क्रॉलर भी नॉर्मली इन्हें रीड अलग से नहीं करते हैं। इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का यूज कहीं और होगा, कैसे होगा तो इसे हम कई बार जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जेक्वेरी की हेल्प से काम में ले लेते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जेक्वेरी की हेल्प से इसे काम में लेने की जो अप्रोच जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या, तो अभी हमारे पास ये कुछ इस तरीके से अवेलेबल है जिसे आप देख पा रहे हैं। पेज एक बार वापस अपीयर करवा रहे हैं, एकदम इस तरीके से पेज है, बस लिस्ट अपीयर है, उनके जो रन है जो स्कोर है वो हमें अपीयर नहीं होगा। हम उन स्कोर को कैसे अपीयर करवाना चाहते हैं वो चॉइस भी हमारी अपनी हो सकती है। जैसे हम यहाँ पे अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि जिस पे भी ये होवर करे उसके साथ यहाँ पे साथ में उसका स्कोर दिखाई दे जाए, इस पे माउस लेके आए इसका स्कोर दिखाई दे जाए, इस पे आए तो इसका दिखाई दे जाए, इस पे आए तो इसका दिखाई दे जाए, कुछ ऐसा अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो उस केस में हम एक छोटा सा और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो क्या, यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा स्पैन प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक लिस्ट आइटम के अंदर। एक बार पहले मिक्स हो जाएगी ज्यादा चीजें इसलिए छोटा रखते हुए स्पैन से अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं। पहले एक बार इस डेटा एट्रीब्यूट को हम जेक्वेरी में कैसे काम में लेंगे उसे देख लेते हैं, ठीक। तो अभी हमने यहाँ पे एक चीज जो की वो क्या, जेक्वेरी की हमारी फाइल हमने यहाँ पे लिंक कर दी। कैसे लिंक करते हैं जेक्वेरी की फाइल, तो हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, इस फोल्डर में ही प्रोवाइड कर रखी है जिसमें हमने ये पेज सेव किया है। किस नेम से है वो फाइल, वो नेम हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमारा फोल्डर जिसमें अभी हमने ये P5 फाइल क्रिएट किया, और इसमें हमारी फाइल जो जेक्वेरी की है वो है ये। इस पर्टिकुलर फाइल को हमने कॉपी किया, इसके नेम को कंप्लीट नेम के लिए एक्सटेंशन .js जरूर दे देना, इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दी। ये तो है हमारी जेक्वेरी की फाइल, एक लाइब्रेरी फाइल। हम यहाँ पे जो साथ में दूसरा इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन सा, तो हम यहाँ पे साथ में अपनी भी जेक्वेरी वाली फाइल क्रिएट कर रहे हैं, एक कस्टम जेक्वेरी फाइल भी लिंक कर रहे हैं। कस्टम कोड जो हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जेक्वेरी को काम में लेते हुए जावास्क्रिप्ट यूज में जो ले रहे हैं वो कैसे, उसके लिए हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया सिमिलर मैनर में ही कुछ इस तरीके से, जैसे माय स्क्रिप्ट 1.js, इस तरीके से हमने सेव किया एंड इस ओके यहाँ नहीं है उस नेम की कोई भी फाइल, एक नई फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं माय स्क्रिप्ट 1.js, हमने इस नेम को कॉपी कर लिया है यहाँ पे, एक नई फाइल क्रिएट की और स्टार्टिंग में उससे पहले सेव कर रहे हैं, ये नेम प्रोवाइड कर दिया। और अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं पहले तो उसे समझें। हम यहाँ पे ये जितने भी हमारे लिस्ट आइटम हैं उन्हें एक्सेस करना चाह रहे हैं कि जब उनके ऊपर माउस आए तब हमें कुछ काम करना है, उन पर जब होवर हो तब काम करवाना है। तो यहाँ लिस्ट आइटम तो बहुत सारे हैं, हो सकता है इस पेज पे अनऑर्डर लिस्ट भी बहुत सारी होती, हमें स्पेसिफाई करना है किसी पर्टिकुलर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जितने भी लिस्ट आइटम हैं उनके लिए कुछ चीज। तो तरीका हम क्या दे रहे हैं, जैसे हमने इसे आईडी दे दी से प्लेयर्स, ऐसी कुछ आईडी हमने ये प्रोवाइड कर दी, सेव किया इस पेज को। तो और यहाँ डॉलर डॉक्यूमेंट, जैसे हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं जेक्वेरी की, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, एक फंक्शन हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जब रेडी हो जाए तब फंक्शनैलिटी कौन सी परफॉर्म करनी है वो फंक्शन हम यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहेंगे। और वो फंक्शन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने दिया फंक्शन उसके पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रैकेट उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करने के लिए। अब हम जो वर्क कर रहे हैं इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट के रेडी होने पर हमें परफॉर्म करवाना है, कुछ इस तरीके से हमने इसे दिया। और जब हमने ये फंक्शन प्रोवाइड कर दिया है
इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हम कब अपने इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, जब उस आईडी जो हमने अभी आईडी प्रोवाइड किया उस पेज पे प्लेयर्स उस आईडी के अंदर जो एलआई है उन पे होवर हो तब। तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं वो समझे, डॉलर डॉलर के साथ हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, आईडी हैश के साथ प्रोवाइड की जाती है, होपफुली आपको ध्यान होगा, प्लेयर्स और उसका एक चाइल्ड अवेलेबल वाले बैनर में हम कह रहे हैं एलआई। और एलआई पे हमें कुछ काम करना है, जैसे अगर उसे कलर दे रहे होते हम कुछ सीएसएस चेंज, पहले एक बार थोड़ा आपको ध्यान दिलाने के लिए, सेलेक्टर के साथ सीएसएस इस तरीके से दी जाती है, जैसे हमने यहाँ दे दिया उनका बैकग्राउंड कलर, तो ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली कौन सा, जैसे हमने ये दे दिया बैकग्राउंड कलर येलो, तो सब पे ही वो येलो कलर अपियर हो जाएगा जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी होता है तब। सेव किया हमने इसे, इस पर्टिकुलर को हमने किया इस पेज को रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करते हैं इन सब का बैकग्राउंड कलर कैसा आ रहा है, येलो, जो भी हमारे लिस्ट आइटम थे उन सब पे अप्लाई हो गया बैकग्राउंड कलर येलो। हम यहाँ पे ऐसा नहीं दे रहे, हम यहाँ पे प्रोवाइड क्या कर रहे हैं अब, तो हम यहाँ पे होवर फंक्शन काम में ले रहे हैं। होवर फंक्शन का यूज क्या है कि जब होवर हो, होवर मतलब जब उसके ऊपर माउस पॉइंटर पहुंचे, जब प्लेयर्स आईडी वाला जो भी एलिमेंट है उसके अंदर जो चाइल्ड है एलआई उस पर जब माउस पॉइंटर पहुंचे तब हमें जो फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करनी है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं। और यहाँ पे एक नहीं दो फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, आपकी चॉइस है, आप दूसरी फंक्शनैलिटी ब्लैंक छोड़ सकते हो, पहली फंक्शनैलिटी ब्लैंक छोड़ सकते हो, जो भी आपको वहां पे काम देना है। बट ये दो फंक्शनैलिटीज क्यों है, फंक्शन वन फंक्शन टू जो हम दो प्रोवाइड करना चाहेंगे, इनमें से फंक्शन वन कब के लिए है, जब होवर उस पर आता है। यहां समझने के लिए अगर हम लिख दें माउस एंटर वाला सेंस है यहाँ पे, जब माउस उस पर आता है तब फंक्शन वन वाली चीज परफॉर्म होगी। F2 जो हम सेकेंड पैरामीटर की तरह जो फंक्शन देंगे वो माउस लीव के टाइम पे परफॉर्म होगा, एंड नो डाउट माउस होवर वाला भी हमारे पास फंक्शन माउस एंटर नेम से अवेलेबल है। माउस जो आउट वाला जो फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है माउस लीव नेम से, दो अलग अलग फंक्शन भी अवेलेबल है। बट अगर आप होवर समझ गए तो दोनों का यूज आप होवर से भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम काम में लेना चाहते हैं होवर फंक्शन, और इसमें दो फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं वो समझें, डॉलर डॉलर के साथ वही हमने हैश प्लेयर्स सेम वही लाइन, एंड यहाँ पे एलआई, और इस एलआई के अंदर होवर, और होवर के टाइम पे क्या करना चाहते हैं, पहला फंक्शन यहां प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरा फंक्शन प्रोवाइड करना चाहेंगे, एंड ये जब दोनों फंक्शन दे दिए तब इसे कंप्लीट कर देंगे। अब पहले फंक्शन जब माउस उस पर पहुंचे तब क्या करवाना है वो यहां पे हम दे रहे हैं, और यहां पे हमने क्या दिया वो समझें, हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया जैसे हमें प्लेयर्स जो है उनके सारे लिस्ट आइटम को कलर प्रोवाइड करना है, कब, जब उस पर माउस आए, तो उसके लिए हमने प्रोवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने दिया था बैकग्राउंड कलर येलो आ जाए। सेव किया हमने इस फाइल को, अभी हमने दूसरा फंक्शन ब्लैंक छोड़ रखा है कि माउस जब हटे तब कुछ नहीं हो, तो अभी हमने दूसरे फंक्शन में कुछ भी टास्क नहीं किया, माउस जब आएगा तब येलो हो जाएगा। और क्या चीज येलो होगी वो एक बार ध्यान से देखें, जब इस पेज को रिफ्रेश किया इनिशियली बैकग्राउंड कलर हमने प्रोवाइड नहीं कर रखा, जैसे हम इस पे माउस पॉइंटर लेके आएंगे किसी भी एक पे सभी येलो हो गए, क्योंकि वो सभी सेलेक्टर अगर ये देखें तो वो तो सबके लिए ही है, जिस पे होवर हुआ केवल उस पे अगर हमें काम करना है तो उसके लिए कीवर्ड हम काम में लेंगे दिस। अभी ये जो वर्क कर रहा है वो किस पे वर्क कर रहा है, वो सभी पे ही, प्लेयर्स आईडी के अंदर जितने भी एलआई हैं उन सब पे। हम यहाँ पे कहना चाहते हैं होवर तो सबके लिए डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन जिस पे भी होवर हुआ जिसके कारण ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है हमें उसके बैकग्राउंड कलर को ये येलो प्रोवाइड करना है। तो कैसे ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो समझें, हमने ये दे दिया दिस, और दिस वाले केस में ये दिस एक कीवर्ड अवेलेबल है, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में भी जब हमने ऑब्जेक्ट की हेल्प से मेंबर काम में लिया था उस अप्रोच में देखा था,
कि जिस ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट रेस्पॉन्सिबल है उस फंक्शन को कॉल करने के लिए, उसके लिए वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए उसे रिप्रेजेंट करते हैं दिस कीवर्ड से। जैसे हमने क्लास डिफाइन करते टाइम भी बात की थी, हमने न्यू की हेल्प से जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उस वक्त दिखाई थे ऐसा, दिस कीवर्ड अवेलेबल है, रिफ्रेश किया हमने इसे, और जब हम होवर करते हैं इस लास्ट वाले लिस्ट आइटम पर तो केवल ये येलो होता है, बाकी नहीं। लेकिन माउस पॉइंटर हटा दिया तो भी हमने चेंज नहीं किया, किसी और पे आ जाते हैं तो भी हम, जब माउस लीव कर रहा है उस वक्त अगर हमें हटाना था ये बैकग्राउंड कलर, रिमूव करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये लीव वाली फंक्शनैलिटी में प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखें, जो दूसरा फंक्शन था उसी होवर के पैरामीटर के अंदर दो पैरामीटर है, मतलब एक पहला पैरामीटर एक फंक्शन जो माउस एंटर के टाइम पे वर्क करे, दूसरा पैरामीटर एक फंक्शन जो माउस लीव के टाइम पे वर्क करे। और इसमें हमने क्या कह दिया, बैकग्राउंड कलर कह दिया ट्रांसपेरेंट, जैसे ब्लैक व्हाइट येलो ग्रीन, सिमिलरली ट्रांसपेरेंट भी एक कलर को रिप्रेजेंट करता है सीएसएस में भी। और ये कौन से कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो ट्रांसपेरेंट का मतलब आप जानते ही हैं कि वहां पे जैसे बैकग्राउंड कलर हम नहीं बता रहे, जो उस पेज का था वही कलर दिखाई दे जाए, तो ऐसा कुछ हमने अभी प्रोवाइड कर दिया। अभी के लिए सेव किया, रिफ्रेश किया, जैसे ही हम इस पर होवर करते हैं ये आ गया, हटाया तो हट गया, इस पर किया इस पर किया। होपफुली आपको ये आइडिया लग रहा है माउस ओवर इस तरीके से जो हो रहा है। एंड नो डाउट ये चीज सीएसएस से भी की जा सकती है, कैसे वो हम बाद में बात कर लेंगे, बट अभी ये जो अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया हमें ये करना ही नहीं था। अब जो हम बात कर रहे हैं उस पे आते हैं, हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हम यहाँ पे जैसे उस पे माउस पॉइंटर आए उस वक्त अगर हम यहाँ पे इस पेज पे सपोज एक एक्स्ट्रा हमने पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ जिसकी आईडी हमने दे दी स्कोर, ऐसी कुछ भी हमने एक आईडी प्रोवाइड कर दी, एंड इस पैराग्राफ के अंदर हम उस प्लेयर का स्कोर विजिबल करवाना चाहते हैं जिस पे माउस पॉइंटर पहुंचा, क्योंकि हम बात कर रहे थे डेटा एट्रीब्यूट की, डेटा एट्रीब्यूट जेक्वेरी में कैसे हम काम में ले रहे हैं। तो हम बस इतना सा इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं अब आगे कि जो भी डेटा एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू इस पैराग्राफ के अंदर पहुंच जाए। तो पैराग्राफ जो हमारे पास अवेलेबल है जिसकी आईडी है स्कोर, उसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। पैराग्राफ है हमारे पास स्कोर आईडी वाला, तो हैश स्कोर एंड उसके अंदर कंटेंट प्रोवाइड करना है तो डॉट टेक्स्ट, और टेक्स्ट हमने जैसे दे दिया ये हेलो, तो क्या पहुंचेगा उस पैराग्राफ के अंदर, वर्डिंग क्या पहुंच जाएगी, हेलो। पुरानी कुछ भी वर्डिंग थी तो वो रिमूव होके ओवरराइट होके वहां पे पहुंच जाएगा हेलो। तो ये टेक्स्ट जो हमने फंक्शन प्रोवाइड किया है हेलो प्रोवाइड कर देगा। एक बार पहले अभी तक का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसे सेव कर रहे हैं और यहाँ पे देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो टेक्स्ट हेलो प्रोवाइड हो जाए जब उस पर होवर हो, और जब होवर हटे तो हम उसे रिमूव करना चाह रहे हैं, एकदम ब्लैंक स्ट्रिंग लेके आना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा हमने ये दे दिया। ठीक, अभी के लिए हमने इतना प्रोवाइड किया, सेव किया, रिफ्रेश किया। इस बार हम क्या कर रहे हैं, माउस पॉइंटर जैसे इस पे आता है हेलो, होपफुली आप सबको ये विजिबल है पैराग्राफ में जो आता है, जो माउस पॉइंटर हटते ही हट जाता है, हर एक पे हमने सेम इम्प्लीमेंटेशन दिया है, हेलो दिया है, होपफुली आप सभी को विजिबल होगा। बट फिर भी एक बार हम ये लिस्ट आइटम के साथ साथ पैराग्राफ को भी फॉन्ट साइज सेम वही 28 पिक्सल प्रोवाइड कर रहे हैं। होपफुली आपको ये ध्यान होगा, मल्टीपल सेलेक्टर को अगर सेम सीएसएस रूल्स देने हैं तो कॉमा से सेपरेट करते हुए इस तरीके से दे सकते हैं। सेव किया हमने इसे, रिफ्रेश कर रहे हैं, जैसे ही माउस पॉइंटर आता है ये हेलो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, माउस पॉइंटर गया हट गया। माउस पॉइंटर चाहे किसी भी लिस्ट आइटम पे है सबके लिए सेम वर्किंग दे रखी है कि टेक्स्ट कैसा आ जाए हेलो। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा चेंज पहले जो कर रहे हैं वो कैसा, कि हम इसके टेक्स्ट में क्या लेके आना चाह रहे हैं, जिस पे भी होवर हुआ उसका टेक्स्ट लेके आना चाह रहे हैं। सपोज हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, जैसे सेम जो हमने ये प्रोवाइड किया है स्कोर, इसी तरीके का हमने एक और पैराग्राफ और दे दिया, दो पैराग्राफ दे दिए। सपोज एक का नाम हमने दे दिया प्लेयर नेम, नाम तो दे दिया प्लेयर नेम, आईडी दे दी, सॉरी एक ही आईडी तो दे दी हमने प्लेयर नेम, और दूसरे की आईडी दे दी स्कोर। अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसा हम अभी स्कोर पे वर्क कर रहे थे उसे कमेंट कर दिया, यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं पहले प्लेयर नेम पे।
प्लेयर नेम जो भी अवेलेबल है वो हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, टेक्स्ट में वो विजिबल करवाना चाहते हैं। कैसे लेके आ रहे हैं उसे समझना बहुत आराम से। वेरिएबल, और हमने नेम के लिए जैसे वेरिएबल ले लिया एन, एन नेम के इस वेरिएबल में हम वैल्यू क्या लेके आ रहे हैं, वो वैल्यू जो इस पर्टिकुलर एलिमेंट की कंटेंट में अपीयर हो रही थी जिसपे होवर किया, उसी की वैल्यू दिखानी है। तो हमने दिया डॉलर और डॉलर के साथ दिया दिस, जो भी एलिमेंट है हमारा जिसपे होवर हुआ उसी का हम टेक्स्ट जो है वो लेके विजिबल करवाना चाहते हैं यहाँ पे। तो ध्यान से आराम से समझें, यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट, ये तीन स्टेटमेंट दिए हैं जिसमें से पहला स्टेटमेंट तो बहुत सिंपल है, एक वेरिएबल क्रिएट किया एन नेम का। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो किसके लिए है कि जिस पे होवर किया उसका टेक्स्ट क्या अवेलेबल है, उस टेक्स्ट को हमने एन में स्टोर कर दिया। अगर हमने होवर किया सचिन पे तो एन वेरिएबल में सचिन पहुंच जाए, अगर हमने होवर किया विराट पे तो विराट पहुंच जाए, जो भी हमने वहां पे नेम प्रोवाइड कर रखे हैं वो नेम पहुंच जाए एन के अंदर। और फिर जो प्लेयर नेम नाम की जो आईडी का एलिमेंट है उसके टेक्स्ट में हमने ये एन प्रोवाइड कर दिया। और ये सब काम कब हो रहा है, जब भी लिस्ट आइटम पे होवर कर रहे हैं तब उसी लिस्ट आइटम का टेक्स्ट एन में पहुंचा और उसी एन को हमने प्लेयर नेम जो अलग से पैराग्राफ है उसके अंदर प्रोवाइड कर दिया, एक टेक्स्ट असाइन करवा दिया। और जैसे इस तरीके से हमने दिया बिल्कुल ऐसा ही हम यहाँ पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या ब्लैंक स्ट्रिंग लेके आ जाते हैं, जब उस पर से कर्सर हटेगा तो ये चीज हम परफॉर्म कर रहे हैं। हमने इस पेज को सेव तो कर ही दिया, इस फाइल को भी और पेज को भी, दोनों चीज सेव है हमारे पास। हम इस पेज को जब ब्राउजर पर रिफ्रेश कर रहे हैं इस बार, और जैसे ही इस पर आते हैं सचिन दिख रहा है, रोहित दिख रहा है, विराट दिख रहा है, एंड होपफुली आप सभी को ये आइडिया लग रहा होगा। हट गया तो एकदम ही गायब हो गया, जो नेम है वो यहाँ पे विजिबल हो रहा है इस तरीके से, जिस पे भी कर्सर आता है उसका नेम। और ये अगर आपको थोड़ा सा भी अभी तक की बात का आइडिया लगा तो जो स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, अब फाइनली उस पे हम आ सकते हैं। और वो बात क्या, हम वेरिएबल उसका जो स्कोर है वो लेके आना चाहते हैं, कैसे डेटा एट्रीब्यूट में जो प्रोवाइडेड है उस वैल्यू को कैसे लेके आ रहे हैं। तो इस लाइन नंबर 8 को ध्यान से देखें, जिस भी एलिमेंट के डेटा एट्रीब्यूट को हम लेके आना चाहते हैं, यहाँ सेलेक्टर कुछ भी तरीके से आप दे सकते थे। अभी हमने दिस क्यों दिया है, क्योंकि हमें केवल उसी के डेटा एट्रीब्यूट को लेके आना है जिस पे माउस पॉइंटर आया, तो दिस सेलेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है उसे जिस पे माउस पॉइंटर आया, उसके डेटा एट्रीब्यूट को लेके आना है। तो फंक्शन का नेम है डेटा, और डेटा ये जो फंक्शन का नेम है उसके साथ पैरामीटर में वो स्ट्रिंग बताओ जो स्ट्रिंग यहाँ डेटा फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे ये स्ट्रिंग है रन, तो ये दे दिया हमने रन यहाँ पे इस जगह पे। तो कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे एस के अंदर क्या पहुंच जाएगा, वो जो रन के अंदर असाइन था, रन के अंदर नहीं था वो, एक्चुअली ध्यान से देखें डेटा रन नेम का एट्रीब्यूट था उसके अंदर असाइन था, जैसे 157 सचिन के लिए। तो जब सचिन वाले उस लिस्ट आइटम पे होवर करेंगे तो नेम जैसे सचिन आ रहा था, सिमिलरली रन की वैल्यू एस वेरिएबल में पहुंच जाएगी 157, 157 ही था जो सचिन के लिए 157, रोहित के लिए 207, इस तरीके से ये पहुंच जाएगा। और इस वैल्यू को हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, स्कोर जो आईडी दी थी हमने पैराग्राफ की, उस आईडी वाले पैराग्राफ के टेक्स्ट के लिए ये सेव कर रहे हैं, इस तरीके से हम ये एस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। फोकस जो सबसे ज्यादा चाहते हैं वो लाइन नंबर 8 पे, लाइन नंबर 8 में वेरिएबल का नेम एस उसमें तो असाइन कर रहे हैं। हर एक चीज को आप टुकड़ों में समझ लें तो कॉम्बिनेशन में आप इजीली समझ लेंगे। ये वेरिएबल में असाइन करने का तरीका है, सिंपल सी अप्रोच है, जो भी राइट साइड में वैल्यू आएगी वो एस में असाइन कर रहे हैं। अब राइट साइड में वैल्यू कैसे आ रही है, इस पर्टिकुलर की वैल्यू आ रही है जहां पर डॉलर के साथ दिस जो प्रोवाइड कर रखा है वो एक सेलेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा सेलेक्टर, तो दिस रिप्रेजेंट कर रहा है जिस फंक्शन पे हम आए हैं, उस फंक्शन पे किसकी हेल्प से हम आए हैं। तो हम आए हैं इस लाइन नंबर 4 पे जो ये सेलेक्टर प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन ये बहुत से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, उनमें से जिस पे भी होवर होगा
उसकी हेल्प से आएंगे तो उस स्पेसिफिकली उस लिस्ट आइटम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे सचिन वाले लिस्ट आइटम पे आते हैं तो उसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके डेटा एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए डेटा फंक्शन काम में लिया, जिसमें हमने साथ में ये प्रोवाइड कर दिया वो डेटा का, वो एट्रीब्यूट का एक एक पैरामीटर कि कौन सा डेटा एट्रीब्यूट आप काम में ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो अभी हमने देखा डेटा रन, हो सकता है यहाँ पे डेटा कैचेस भी होते कि उस मैच में किसने कितने कैच लिए, वो भी यहाँ पे रहा होता, कुछ इस तरीके से ये प्रोवाइड किया गया होता। तो उसके रेस्पेक्टिवली बहुत से डेटा एट्रीब्यूट हो सकते हैं, और डेटा एट्रीब्यूट एक तरीका है HTML में किसी एलिमेंट के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। और ये जो इंफॉर्मेशन आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, आप कितने भी डेटा एट्रीब्यूट आप अपनी तरफ से अपनी चॉइस से प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसका यूज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जावास्क्रिप्ट मींस ये जो जेक्वेरी का कोड जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें काम में आएगा। जैसे अभी ये दे रखा था, अब इस पेज को हमने किया है सेव, इस फाइल को, इस पेज को हम सेव कर ही चुके थे जैसा अभी अवेलेबल है। एंड इस पर्टिकुलर पेज को जब रिफ्रेश कर रहे हैं, इस बार जैसे हम माउस पॉइंटर लेके आते हैं जिस भी एलिमेंट पे, सचिन पे लेके आते हैं सचिन की डिटेल दिख रही है, रोहित पे लेके आते हैं रोहित की डिटेल दिख रही है, विराट पे आने पे विराट की, युवराज पे आने पे युवराज, एंड राहुल पे आने पे राहुल की। तो जिस भी प्लेयर पे ये हम होवर कर रहे हैं उसके रेस्पेक्टिवली ये डेटा अपियर हो रहा है। एंड ये डेटा जैसे डाउनवर्ड अपियर हो रहा है, सिमिलरली आप हर एक पैराग्राफ के अंदर स्पैन टैग अगर प्रोवाइड करते तो उसी स्पैन के अंदर भी आप अपियर करवा सकते थे। अगर ये यहां ना देते हुए, ये अगर हम बात कर रहे हैं हम जिस पे हैं उसी के अंदर अवेलेबल करवाते, तो वो कैसे, उसकी अब बात कर रहे हैं। होपफुली अभी तक की बात आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। अब हम जो बात कर रहे हैं, एक बार इसी पेज को हमने कॉपी किया पेस्ट किया, एंड इस बार जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस पेज पे वो क्या, तो जितने भी ये लिस्ट आइटम है उन सभी के साथ हमने एक स्पैन प्रोवाइड कर दिया। स्पैन एक एक्स्ट्रा इनलाइन एलिमेंट है जिसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया स्पैन एलिमेंट को। इस स्पैन एलिमेंट को हमने आईडी प्रोवाइड कर दी, जैसे ये स्कोर, स्कोर हम यहाँ अलग से विजिबल नहीं करवाना चाहते, सपोज यहीं पे विजिबल करवाना चाहते हैं, स्पेस हमने एक्स्ट्रा में यहीं दे दिया एक एक्स्ट्रा में स्पेस। इसे आईडी ना दे करके हम क्लास दे रहे हैं जैसे इस बार, और कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम स्कोर की जगह इसे रन ही कर देते हैं, या सिमिलर मैनर में कुछ कर, या स्कोर। होपफुली आपको आइडिया लग रहा है, दो अलग अलग एग्जाम्पल है। पिछले एग्जाम्पल में ये इस पैराग्राफ की आईडी थी, इस बार ये पैराग्राफ है ही नहीं, इस बार ये हमें किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे लिस्ट आइटम अवेलेबल हैं उन सभी लिस्ट आइटम में हम ये स्पैन टैग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें इनिशियली स्पैन के अंदर वैल्यू कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रखी। जैसे हम इस तरीके से ये प्रोवाइड कर रहे हैं, सेव किया हमने इसे सपोज p6.html नेम से, साथ के साथ हमने यहाँ पे जो फाइल लिंक करनी चाहिए वो फाइल दे दी myscript2.js, जिसमें क्या कर रहे हैं सेम यही कोड कॉपी पेस्ट किया पहले तो सेव कर दिया myscript2.js नाम से, जो अभी अभी नेम प्रोवाइड किया। और इस केस में एक चेंज तो आपको इजीली विजिबल है, वो चेंज क्या, आईडी नहीं इस बार स्कोर क्या है, क्लास है। तो पहला चेंज जो हमने किया वो आराम से समझें, स्कोर जहां पे काम में लेना था सेलेक्टर, वहां हैश की जगह प्रोवाइड कर दिया डॉट। सीएसएस की जो सेलेक्टर प्रोवाइड करने की अप्रोच है वही जेक्वेरी में यहाँ पे डॉलर के साथ स्पेसिफाई की जा रही है स्ट्रिंग की तरह, तो ये भी हमने प्रोवाइड कर दिया। लेकिन अभी तक का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे वर्क कर रहा होगा उसे देखते हैं। पहले इस P6 वाले पेज को हम ओपन कर रहे हैं, और इस केस में ये कैसा अपियर हो रहा है, तो देखने में बिल्कुल अभी तो वैसा ही लग रहा है। होवर करते हैं, और होवर करने पे कंटेंट कहाँ आएगा वो समझना, वो कंटेंट आएगा इन्हीं के साथ जो स्पैन प्रोवाइडेड है लिस्ट के अंदर ही उनमें। लेकिन थोड़ी सी चीज जो ध्यान देने की है वो क्या, राहुल पे हम जब होवर कर रहे हैं तो वो होवर होने पर डेटा केवल उस राहुल वाले लिस्ट आइटम पे आना चाहिए था। ये किस पे आया, सब पे ही, क्योंकि सबकी क्लास सेम है तो सब पे ये वर्क कर रहा है। युवराज पे करते हैं तो युवराज वाला डेटा आ रहा है लेकिन सब पे ही आ रहा है, विराट वाला सब पे आ रहा है, रोहित वाला सब पे आ रहा है, सचिन वाला सब पे आ रहा है।
होपफुली आप सबको ये बात का आइडिया लग रहा है, क्योंकि वो क्लास जहां पे भी अवेलेबल है, पांचों को हमने सेम क्लास प्रोवाइड किया इसको, तो पांचों के लिए ये वर्क कर तो रहा है, लेकिन पांचों में ही वो वैल्यू दे रहा है, जबकि हम किसी स्पेसिफिक के लिए ही वर्क करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे उसे अब समझते हैं। तो एक और जेक्वेरी का फंक्शन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कौन सा उसे समझें। तो हम यहाँ स्कोर पे पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट स्कोर पे नहीं पहुंच रहे। हम स्कोर पे कैसे पहुंचते हैं, जब भी ये माउस पॉइंटर उस पर आता है, स्कोर पे पहुंचने का तरीका हमारा जिस पे होवर किया पहले वो सेलेक्टर हमारा कौन सा है। अगर सचिन पे होवर किया तो ये पूरा लिस्ट आइटम हमारा वो सेलेक्टर है। अगर रोहित वाले वर्डिंग पे हमने होवर किया तो ये पूरा लिस्ट आइटम हमारा वो सेलेक्टर है। अगर ये इस पे होवर होता है तो ये पूरा हमारा वो सेलेक्टर अवेलेबल है विराट वाला। तो जिस पे भी होवर हो रहा है उसके एक चाइल्ड को हमें सर्च करना है, तो हमने प्रोवाइड किया फाइंड। फाइंड एक फंक्शन अवेलेबल है जिसमें हम वो सेलेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसपे हम पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट डॉट स्कोर दे रहे थे तो उस पेज में जितने भी स्कोर क्लास वाले एलिमेंट हैं उन सभी को ये रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन अगर हम चाहते हैं जिस पे होवर हुआ केवल उसी के अंदर सर्च करो कि उसके अंदर जो भी सेलेक्टर है स्कोर क्लास वाला उस पे वर्क करना है, तो कुछ इस तरीके से हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉट स्कोर हमने ये फाइंड फंक्शन काम में लेते हुए प्रोवाइड किया, और यहां तक की अप्रोच से हमारे पास एक नया जेक्वेरी सेलेक्टर कंसीडर हो रहा होगा, और वो कौन सा, तो फाइंड करने पे जो हमें सबसे पहला मिला वो वाला यहाँ पे कंसीडर हो रहा होगा। और जिस भी लिस्ट आइटम पे हम होवर कर रहे हैं, जैसे अगर होवर कर रहे हैं विराट वाले इस लिस्ट आइटम पे, तो इसके अंदर एक ही स्कोर वाला एलिमेंट है ये वाला, वो यहाँ पे ये कंसीडर कर रहा होगा अभी तक। और उसके टेक्स्ट में हमें कुछ प्रोवाइड करना है, वो चीज क्या, वही एस वाली वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया है, सेव किया हमने इसे, इस पर्टिकुलर को हम कर रहे हैं रिफ्रेश। और इस बार ध्यान से देखें, जब हम राहुल पे ओवर करते हैं तो केवल राहुल के सामने, युवराज पे ओवर करने पे युवराज के सामने, विराट पे ओवर करने पे। अच्छा एक चीज और ध्यान देने की, हमने यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया कोई दिक्कत नहीं है, रीजन सबको ब्लैंक कर दिया कोई दिक्कत है ही नहीं। किसी स्पेसिफिक को ब्लैंक करते जिस पे होवर हुआ केवल उसी को होवर हटते टाइम ब्लैंक करते, या फिर किसी पैसे भी होवर हटा और सारे ही स्कोर जो थे सबको हमने ब्लैंक प्रोवाइड कर दिया, तो ये भी कंसिडरेबल है, ये भी काम में ले सकते हैं। और एक बार देखें, जैसे जैसे हम प्लेयर पे होवर कर रहे हैं उसके रेस्पेक्टिवली उसका स्कोर हमें वहां सामने विजिबल हो रहा है। एंड होपफुली यहाँ तक की बात का आपको आइडिया लगा होगा। और यहाँ पे जो समझने की चीजें हैं, नो डाउट ये जेक्वेरी के हर एक आप पार्ट को समझें, डॉक्यूमेंट जैसे समझ चुके होंगे अब तक, रेडी डॉक्यूमेंट रेडी को स्पेसिफाई कर रहा था, और फंक्शन कॉल बैक अप्रोच का तो आइडिया लग ही चुका होगा सभी को। ये सेलेक्टर प्रोवाइड किया कैसे जाता है वो अप्रोच भी आपको आइडिया लग चुका है। होवर फंक्शन में दो फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, पहली जब माउस उस पर आता है उस सेलेक्टर पे, और दूसरी जब माउस उस पे से जाता है। और उस पहली फंक्शनैलिटी में जो हमने काम में लिया दिस कीवर्ड, अगर समझें वेरिएबल डिक्लेरेशन तो पता ही है, दिस कीवर्ड को अगर समझें तो दिस कीवर्ड का क्या मतलब, दिस कीवर्ड जिस सेलेक्टर की हेल्प से इस फंक्शनैलिटी पे आया, भले ही वो सेलेक्टर यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा था, बट वो सारे सेलेक्टर एक साथ होवर नहीं हो रहे हैं। होवर को इनिशिएट करने का काम अभी किसने किया जिसके कारण अभी ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसे रिप्रेजेंट करेगा दिस। एलआई बहुत सारे थे, जैसे 5 प्लेयर्स हमने प्रोवाइड कर रखे थे, उनमें से जिस पे भी माउस पॉइंटर पहुंचा उसे रिप्रेजेंट कर रहा है दिस, उस एलआई को। और उस एलआई के अंदर जो टेक्स्ट अवेलेबल है उसके लिए हमने टेक्स्ट काम में लिया, और ये जो टेक्स्ट काम में ले रहा है उसकी वैल्यू एन में पहुंचाई, एन हमने काम में ले लिया प्लेयर नेम नाम का जो हमने अलग से पैराग्राफ दिया था उसमें वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। एंड फाइंड फंक्शन की अगर बात करें, फाइंड फंक्शन एक तरीके से किसी सेलेक्टर के अंदर उसकी हायरार्की में उसके चाइल्ड लेवल के अंदर, भले ही उसका डायरेक्ट चाइल्ड है या चाइल्ड का चाइल्ड का चाइल्ड का चाइल्ड है,
किसी भी लेवल पे अंदर वो सर्च कर रहा है उसी के अंदर, लेकिन वापस से कह रहे हैं जो सेलेक्टर फाइंड से पहले प्रोवाइड किया उसके अंदर सर्च करेगा इस सेलेक्टर को जो फाइंड के आपने यहाँ पे फंक्शन में प्रोवाइड किया है। जैसे वो सर्च करके पहला उसका सेलेक्टर मिल जाएगा उस सेलेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा और उस पर ये टेक्स्ट अप्लाई होगा है, उस पर ये वर्क कर रहा है। एंड डेटा फंक्शन होपफुली आप सबको आइडिया लगा होगा। तो जो फंक्शन अभी नए, होवर, टेक्स्ट, डेटा, फाइंड, इन सभी का होपफुली आप सबको कुछ आइडिया लगा होगा। और साथ के साथ यहाँ एक चीज और कह रहे हैं इसी एग्जांपल में, जैसे वो चेंज कर रहे हैं हम, वो क्या, हमने सपोज यहाँ पे एक बटन और दिया होता, जैसे ये बटन हमने प्रोवाइड कर रखा है जिसकी हमने आईडी दे रखी है से BTN1, ये जो हमारा बटन अवेलेबल है इस पे जब क्लिक कर रहे हैं उस वक्त एक बार को बस ऐसे ही थोड़ा सा चेंज और दिखाना चाहते हैं। उस वक्त अगर हम चाहते हैं बटन वन पे क्लिक करते ही युवराज का स्कोर 197 की जगह 200 अवेलेबल कराना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बटन वन पे जब क्लिक हो, सेम एग्जांपल में ही देख लेते हैं, अदरवाइज ये एक छोटी सी फंक्शनैलिटी है, आप अलग एग्जांपल की तरह भी इसे कंसीडर कर सकते हैं। अभी हम यहीं पे लिखना है, जैसे ये बटन वन एक आईडी थी BTN1, उस पर जब क्लिक होता है उस वक्त हमें फंक्शन